नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के वर्धा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क की आधारशिला रखी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में और भाजपा के अन्य नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल जो है पार्क की आधारशिला रखी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तिरुपति प्रसाद विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वाईएसआरसीपी की सरकार का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को रहा, जब तक वो वहां सरकार में थे। सिर्फ एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर हम सबके मन को इतना व्यथित करने से अच्छा है या अच्छा होता कि सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते। अभी क्या हो रहा है, हम सब परेशान, हम सब जो भक्त हैं भगवान तिरुपति के, सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो और इस दौरान जो समय आप दे रहे हैं, नई नई थ्योरीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे किसको लाभ है? जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक पे आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का, हम सबकी आस्था का इसमें सवाल है और पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है। भगवान बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया। बेमिसाल नरेंद्र मोदी जी है, विकास की नई मिसाल। लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद संभालने वाले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी तीसरे कार्यकाल में प्रगति की गति 3 गुना बढ़ाएंगे और हमारे भारत को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। ये 100 दिन तो एक झांकी है, मोदी साहब की बड़ी इनिंग अभी बाकी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश को महासत्ता बनाने का 140 करोड़ जनता का सपना 100% पूरा होगा। आने वाले वर्षों में हमारी एनडीए सरकार दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सूची में भारत का स्थान मजबूत करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। 21वीं सदी भारत की सदी, ऐसा मोदी साहब ने कहा था। हमारा भी यही कहना है कि 21वीं सदी भारत की सदी, क्योंकि देश के कप्तान हैं नरेंद्र मोदी। तिरुपति प्रसादम विवाद को लेकर के देश भर से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और इस मामले में जो आरोपी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जो सूचना मिली है मैंने भी देखा है, मैं भी भक्त हूँ भगवान तिरुपति बालाजी का, भगवान रामलला का, और कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो वहां की सरकारें सब जो जरूरी कदम है उस पर उठाएंगी और हम लोग उत्तर प्रदेश में ध्यान रखेंगे। पिछली की सरकार नहीं, जो सच्चाई मैंने देखा नहीं जो आप बता रहे हैं ये कि सरकार ने क्या कहा है, लेकिन जो भी अगर ऐसा कुछ भी किया है वो गलत किया है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कानून करेगा। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने भी तिरुपति प्रसादम विवाद पर गरमाई सियासत के बीच इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी नहीं अभी तक, तो यहाँ तक तो मुझे कहना पड़ता है, मगर मैं बता दूं,
अगर इसमें 0.1% भी सच है तो ऑफकोर्स सीरियस जांच लेना चाहिए और सीरियस कदम उठाना चाहिए कि जो ये काम किए हैं कि उनको क्या जानकारी नहीं है कि लाखों भक्त बालाजी के, चाहे भारत देश में कोने कोने से नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं भक्त, आते हैं वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आके वहाँ माथा टेक के ये लड्डू को बहुत पुण्य का चीज मान के लेते हैं, स्वीकार करते हैं और हम इसको विलायत भी बेचते हैं। तो एक बहुत बड़ी सेंटिमेंट इस मुद्दे से जुड़ी हुई है। तो अगर ऐसे कोई लोग लालच में, चार चंद पैसे बचाने के लिए लालच में, और हम खुद ही सोच रहे थे इस बीच में कि लड्डू का साइज घट गया और क्वालिटी बिल्कुल ही बिगड़ गई थी, हम खुद ही सोच रहे थे। हर साल हम वो ये लड्डू आता है घर पे, कई लोग लाके देते हैं, हमारी किस्मत है, खुशकिस्मत है कि लोग ये प्रसाद हमको देते हैं और भगवान का आशीर्वाद सोच के हम लेते हैं। तो अगर इसमें 1.1% भी कुछ नुक्स है तो खबरदार, इसका तो सीरियस व्यू लेना चाहिए। कितने लोगों की सेंटिमेंट और बालाजी की अपमान, ये होनी नहीं चाहिए। उनकी माँ की ख्याल रखते हैं हम, बालाजी की माँ बैठी रहती है किचन को देखते हुए, कईयों को पता नहीं ये बात, और कहा जाता है कि बालाजी की माँ खुद देवता वहाँ बैठ के वो देखती है किचन का योग। तो ये होना बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है अगर ये सच है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली की मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी की। दरअसल मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है और बीजेपी के बिजली मॉडल को लेकर के सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी का बिजली का मॉडल है लंबे बिजली कट और महंगी बिजली। उत्तर प्रदेश में गरीब परिवार जो 1 किलोवाट के छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं, गांव में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए पहले मात्र 1200 रुपए देते थे, उसको बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है, यानी 250% की वृद्धि एक छोटा सा 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए। अगर किसी का 5 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए, आम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है, 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 118% बढ़ा दिया है, 7,967 रुपए से 17,365 रुपए कर दिया है, यानी 118% की वृद्धि। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8-8 घंटे के पावर कट लगाए, और ये 8-8 घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गांव में नहीं लग रहे थे, ये 8 घंटे के पावर कट नोएडा में लग रहे थे, ग्रेटर नोएडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबाद में लग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आए और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए। वरना जो आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि महंगी बिजली, लंबे लंबे पावर कट, वही फिर हमें दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की, जिन्होंने तिरुपति प्रसादम विवाद पर प्रतिक्रिया दी है और साथ ही कहा है कि यह पूरी तरीके से आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात का साफ मामला है। ये घटना सामने आ रही है,
वो शुद्ध रूप से आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात का क्लियर कट केस है। और मुझे लगता है कि ये जो आस्था पर आक्रमण और विश्वास से विश्वासघात का की षड्यंत्र साजिशें और गुनाह जिन्होंने किया है उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। सर वहां के जो एक्सीएम है जगनमोहन रेड्डी, वहीं तिरुपति प्रसादम विवाद पर गरमाई सियासत के बीच मंदिर के पूर्व पुजारी रमन रिछुतुलु ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि पहले ही उन्हें इस मामले की आशंका थी जिसको लेकर कि उन्होंने पहले इस मुद्दे को उठाया भी था। News about Tirumala Tirupati Devasthanam says about the adulteration that has been going on this last 5 years in the most important ingredient used in the preparation of prasadams to the God Lord Venkateshwar Swami. The cow ghee, which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadams, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I have brought it to the concern officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. So now they have already purchased pure cow ghee from government dairies, and they are preparing food material to the god with the pure ghee now. So only thing is, care should be taken that such great sins will not be repeated in the temple, in the sacred temple on which crores of devotees have a lot of faith and respect. बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे रायपुर की। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवा उत्सव 3.0 उभरते भारत 2047 कार्यक्रम में रायपुर में हिस्सा लिया और साथ ही इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास तभी हो पाएगा जब जनजाति क्षेत्र के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, तकनीकी शिक्षा के भी मौके उनके लिए खुलेंगे। इसके लिए हमने उन्हें ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण देने का फैसला किया है। हमारी सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा कर रही है। आज ही आपने अखबारों में देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग ने 650 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का विज्ञापन निकला है। एक हफ्ते पहले ही हमने पुलिस में विभिन्न पदों की भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता हो। इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ बीएससी को यूपीएससी की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया। पिछली सरकार में भर्तियां टलती रही, इसके कारण अनेक युवा अवसर के आयु सीमा की अर्हता को पार कर गए। इसे देखते हुए हमने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी तिरुपति प्रसादम विवाद को लेकर प्रतिक्रिया दी है और इसे एक गंभीर मामला बताते हुए इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। देखिए, अगर मामला तो बहुत गंभीर है अगर ऐसा है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि किस तरह के पदार्थों की वहां मिलावट मिली है, ये तो किसी भी हालत में, मतलब मंदिर जैसा पवित्र स्थान और प्रसाद जैसे पवित्र चीज तो छोड़ दीजिए, सामान्य भी नहीं मिलना चाहिए। और ये कैसे पता चला, क्या पता चला, बाय चांस हुआ, क्या हुआ, ये तो मैं जानकारी नहीं जानता हूं। लेकिन मुझे इसमें इतनी आशा है कि सरकार को इस चीज को और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। शायद 2-3 और लैब से टेस्ट करवाएं, पता करें ये कहां से आता है। अगर वो आप बता रहे हैं कि शायद घी या तेल के पदार्थ जो मिलते होंगे, मुझे ठीक से टेक्निकल नहीं मालूम, उनकी मिलावट से ही कुछ आता होगा, वो कहां से आ रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मंदिर है। और तिरुपति का तो जो लड्डू है वो एक समझ लीजिए पूरे देश में एक तरीके से प्रसिद्ध है। हर व्यक्ति वहां जाता है, उसको लेता है, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मित्रों में बांटता है। हम लोग कोई तिरुपति से कभी आता है तो इंतजार करते हैं कि उस लड्डू के द्वारा हम एक तरीके से खुद दर्शन कर लेंगे। तो ये तो एक पूरे भारत की आस्थाओं से जुड़ी हुई चीज है। इसमें मैं चाहता हूं कि पूरी तरह इंक्वायरी करें, और भले ही ठीक है इसमें राजनीति हो रही हो और वो होगी,
क्योंकि इतना बड़ा एक देवस्थल है ये एक आंध्र प्रदेश का और पूरे देश के लिए। लेकिन इसके पहले कि हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ये पता चलना चाहिए कि इसके जो भी पदार्थ आए हैं जहां से ये गड़बड़ी पाई गई है उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग किसने की है, किस सिस्टम से की है, कहां से की है, और तब ज्यादा सच पता चलेगा। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी तिरुपति प्रसादम विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह पूरे विश्व की आस्था जो है वो तिरुपति से जुड़ी है, इस मामले में जांच होनी चाहिए। के साथ पूरे विश्व की आस्था जुड़ी हुई है और तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद पोस्ट से कुरियर के माध्यम से दुनिया के हर कोने में जाता है और इन्होंने इनके लोगों ने मिलकर एक साजिश के तहत जिस प्रकार से ऑर्डर दिया और जिस प्रकार के मटेरियल को सप्लाई किया गया है और उस मटेरियल में जो अब निकल रही हैं गड़बड़ियां, यह साफ बताता है कि एक पूरे साजिश के तहत जगन रेड्डी ने और पूरे वाईएसआरसीपी कांग्रेस ने इस साजिश को रचा है जिससे कि हिंदुओं की आस्था को बदनाम किया जा सके। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी तिरुपति प्रसादम विवाद पर जांच की मांग की है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बातों को दोहराया है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिले। बढ़ेंगे आगे, FSSAI इंडियन ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे और साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने जनता को संबोधित किया। इन दिस डायनेमिक एनवायरमेंट द रोल ऑफ फूड रेगुलेटर्स हैज नेवर बीन मोर क्रूशियल। दिस डिमांड्स कंटिन्यूअस कोलैबोरेशन, रिलेंटलेस innovation and a commitment to constant improvement in our food safety systems. Ministry of Health and Family Welfare and FSSAI have been playing a pivotal role in developing standards, keeping in mind international trade, evolving food production processes and changing consumption patterns. FSSAI has made remarkable strides in reviewing and developing new standards based on cutting-edge advancements in food technology. A notable achievement was the development of the millet standards, which was launched by our Honorable Prime Minister at Global Millets Sri Anna Conference in March 18, 2023. We harmonizing our food standards with the international benchmarks. This includes the National Action Plan. Here I would also like to say that the AMR 2.0 is aligning maximum residue limits and the pesticides with codex standards and enhancing our global। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मोदी कैबिनेट की। दरअसल मोदी कैबिनेट ने चंद्रयान 4 के मंजूरी की घोषणा जो है वो अपने कैबिनेट के माध्यम से की, जिसके बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कैबिनेट ने चंद्रयान 4 के मंजूरी की घोषणा की है। We just announced, no, cabinet just announced its approval, so updates will happen in the next few months. Right now we have completed the engineering, we got the approval from cabinet, it has to go through many layers of approval now, financial approval has to happen, then we will start by working on the detail engineering. So how will it be very different from the Chandrayaan 3, sir? Of course we do know that we are trying to get back the sample, sir. See, Chandrayaan 3 was only to go there and land softly, so now to come back from moon back here, it is equivalent to another one more mission. So the overall size of the satellite becomes almost doubled. The number of modules become 5. And we don't have launch capability, so we have to do with the 2 launches. And going into the orbit, we will have to have docking, both in Earth orbit as well as in moon orbit. Then the sample has to come back like a re-entry type of capsule. We will have to bring it back. So that way it is much more complex. So but where does the Chandrayaan 4 right now stands when we talk about the progress in this? So Chandrayaan 4 is now here in this shape. In the model only, it will be engineered in the coming days. So okay. About the Gaganyaan testing, sir, where does it stand? Gaganyaan is ready for launch. We are trying for this year end for the first unmanned mission. So, how are the Antariksha stations, sir, a big one again that we are looking
So that is just announced, no? So we'll have to work on it. It's already announced that by 2028 we'll have the launch. तो मेरे साथ नेशनल स्पेशल में अभी के लिए इतना ही. आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल. नमस्कार.